बजने वाले 6, अभी भी लो लाइट आ रहा होगा। यहाँ पे बनने वाली है चाय, तो भी डाल दो लाइट जी को। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मनोज सिंह पवार, एक बार फिर से जो है आपका MS पवार ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज वीडियो की शुरुआत हो रही है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के धारचूला के ऊपर हाइट में टॉप में गूंजी से। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर देखिए हमारे मित्र लोग। गुरुदेव बताइए, कल कैसा रहा? हम देखे दोस्तों, इतने ज्यादा ठंड में टेंट में रहते गुरुजी, इस वाले टेंट में तो कैसा रहा? ठंड लगा नहीं लगा? बहुत अच्छा रहा है, और रात को हमें ठंड का भी थोड़ा महसूस हुआ है। अभी टेम्परेचर लगभग माइनस में गया हुआ है यहाँ का, और अब देखो हमारे लिए चाय की व्यवस्था की जा रही है। तो और ये धामी जी जो है चाय बन रही है, देख रहे होंगे। और सर कैसा लगा आपको हमारे गुरु जी? ठंड नहीं हुआ कल? क्योंकि नाइट टाइम पीस करना हुआ, रात को ठंड में सुला जाता था, लेकिन बहुत ठंड हो ठंडा हुआ, ठंडा हुआ, बहुत परेशानी हुई हमको। तो आज हम लेकिन बीच में सोएंगे। हाँ, ये देखिए आज हमारी बीच में बहुत मजे, बहुत गर्मी मुंशारी के बराबर है, उससे ऊपर नहीं है। बाहर सोएंगे तो हल्की ठंड तो लगेगी। गुरु जी कह रहे ठीक हुआ। तो दोस्तों, आज का देखिए यार, हमको जाना है इस डायरेक्शन में। अभी देखिए यहाँ से आगे को जाएंगे तो अगर ओम पर्वत के लिए जो मोटर मार्ग है यहाँ, और ये पहाड़ी दिख रही है काली पहाड़ी के इसके पीछे पीछे जो कि काली नदी, और नीचे देख रहे हो वहाँ सामने आ रही नेपाल का हिमालय दिख रहा है वहाँ पार इस साइड, और इस साइड देखिए ये, और आदि कैलाश पार्वती कुंड जोलिंग कॉन्ग के लिए जो है यहाँ जाना दोस्तों। ये जब हम जाए ना दोस्तों यार, वहाँ पे बादल आदल ना हो, सब कुछ ठीक ठाक रहे। रात हमारी गूंजी सी हो रही है, तो हमने नाइट ही देखी यहाँ टेंट में, टेंट में रात गुजारी। तो ये है गुजी में जो है सवेर की चाय। सर कैसा हो रहा? ठंडा की तरह ठंडा वैसे है, लेकिन नॉर्मल है, झेलने लायक है, झेलने लायक है। तो यार अभी हमारी तैयारी चल रही है दोस्तों, इसी गाड़ी से हमने डिसाइड किया, सबसे पहले हम लोग जो है ओम पर्वत के दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ आदि कैलाश के। तो देखते हैं अभी वेदर भी, देखिए यार धीरे धीरे बादल आ रहे हैं, उसके बाद अगर बादल ना हो क्लियर हो तो अच्छा रहेगा। टेंट लगाने का चार्ज ना दोस्तों 500 रुपया है ए डी का हमको, और इधर पे जो है माँ नामती होम स्टे है ना, इसके बगल में लगाया, तो हमको जो है टॉयलेट वॉयलेट यूज़ करने भी दिया गया है, हमको जो है टॉयलेट वो चीज़ है, हमको कहीं और अदर साइड बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। गुजी में दोस्तों यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, स्टेट बैंक है, और यहीं पे महर्षि वेद व्यास जी आए थे, उन्होंने तपस्या की, और यहाँ पे वेद व्यास जी का बहुत बड़ा रोल है। लोग यहाँ पे अपने आप को जो है वेद व्यास जी का संतान भी मानते हैं, जो जिन्होंने जो है दोस्तों मैथोलॉजी के हिसाब से महाभारत लिखी थी। और हमारे गुरु जी डॉक्टर ललित जोशी जी देखे तैयार हो गए, और देखे कर टेंट में यार कितना पाला पड़ा है रात में, वाइट वाइट। गुरुदेव हो गया, चले हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बोले। जिसे पूरे हमारी पलटा निकल चुकी है यहाँ से। कैसा हो रहा है? ठंडा हो रहा है ड्राइव करते हुए? बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ, ठंड लागन मार रहा है ये बाहर लाजू। काली नदी के सारे सारे जा रहे हैं, मैंने पोस्ट आएगा काला पानी पोस्ट, जहाँ से काली नदी रिवर का उद्गम होता है। तो दोस्तों ये है काला पानी, आप लोग देख रहे हैं, ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, जो सेना के द्वारा यहाँ पट लिखा। हम लोग जो है काला पानी से आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों, काला पानी से जो काली नदी का उद्गम होता है, और एक रिवर इस रिवर के साइड जा रहे हैं, ये यांगती रिवर, इसी के किनारे किनारे हम जा रहे हैं। वेदर क्लियर मिल रहा है यार, वहाँ पहुँचने तक भी क्लियर हो, भगवान भोलेनाथ के ओंकार के दर्शन हो हमको। क्यों गुरु जी? का नजारा, और आपने जो नदी देखी ना दोस्तों, ये है यांगती रिवर, और जो काली नदी आती है ना दोस्तों, उसी साइड से उधर पे काला पानी के से उसका उद्गम है, और ये यांगती रिवर आप लोग देख रहे होंगे। ये देखिए, और ये सामने का नजारा, हिमालय पे बर्फबारी, वेदर को देख के तो दोस्तों यार बड़ी खुशी हो रही है, मतलब मजा आ रहा है, मजा आई जहाँ वहाँ जाने तक भी ऐसे रहे, क्लियर रहे, व्यू क्लियर आए, सूर्यदेव के भी दर्शन हो गए दोस्तों हम लोगों को। ओम सूर्य देवाय नमः। हम लोग रुके दोस्तों यार, ये व्यू ना जबरदस्त, 2 मिनट के लिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि ठंडा तो बहुत हो रखा है, एक हाथ में ग्लव्स पहन रखा है। आप लोग देखिए यार क्या यहाँ का वेदर क्लियर है, और टोपोग्राफी दिखाता हूँ आप लोगों को, जो यहाँ की भूगा आकृति ये चीज़ है।
पूरा पानी बह रहा है। हम लोग जो है व्यू पॉइंट पे पहुंच चुके हैं ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए। ये यार कैलाश होटल एंड लॉज रहने का। जय ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों यार सामने से जो है ओम पर्वत दिखाई दे रहा है, यहाँ सांस भी हो रहा है, हवा ऑक्सीजन की कमी है ऐसा फील हो रहा है मेरे को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर। तो हो रहा है दोस्तों सामने पे ओम पर्वत। तो दोस्तों ये है भी, ये धूप है सामने, इसी के जस्ट भाई यहाँ पे ये है ओम पर्वत, आप लोग देख रहे होंगे। और भैया जी कितनी बार आया आप, कितनी बार दर्शन किया आपने ओम पर्वत के? आया व्यू पॉइंट पे ओम पर्वत के, जो कि काफी शानदार यार जबरदस्त है सामने पे व्यू पॉइंट। और पीछे का बैकग्राउंड देखो यार ये चीजें, क्यों भाई साहब ये चीजें। और आप लोग देखिए यही पूरा हिमालय है, और उधर पे ओम पर्वत पे अभी धूप आ जाती तो उसके बाद दिखेगा। देख रहा हूँ यार सामने पे यार जो जबरदस्त व्यू दिखाना, क्लियर मौसम है यहाँ का, तो हमको ओम पर्वत का, ओम पर्वत के दर्शन हो गए। तो दोस्तों ये है ओम पर्वत, अभी उस साइड से धूप आ रही ना दोस्तों, इसलिए छाया आ रहा होगा। तो ये रहा सामने दोस्तों यार, आप लोग देख रहे ये ओम पर्वत। अभी हम यहाँ लगभग गुंजी से 14 किलोमीटर ऊपर जो है यहाँ नाभीडांग में, नाभीडांग से जो है व्यू पॉइंट है ओम पर्वत का। तो हम लोगों ने जो है ओम पर्वत के दर्शन कर लिया, जो कि काफ़ी शानदार सुंदर दृश्य। आपको मौका मिले ना ज़िंदगी में दोस्तों यार कि आप हमेशा आप यहाँ आ सकते हैं, देखिए दर्शन करें, कि यार बहुत ही खुशी हो रही है, गदगद हो गया यहाँ आके। हमने जो है ओम पर्वत के दर्शन कर लिए, देखिए यार। और ये पूरी ये घाटी है सामने पर, जस्ट ये पहाड़ी है और बर्फबारी हो रही है, और साइड का नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे। पर्सन है नाभीडांग में, आप ही का होटल इधर पे? हाँ ये मेरा। यहाँ रहने का चार्ज क्या है ये चीज़ें? ये 1500 रुपये, 1500 रहने का, खाने पीने का उसी में? हाँ, खाने पीने का। और चाय का क्या है? चाय आप लोग जो है नाभीडांग में आते हैं ओम पर्वत के दर्शन के लिए, अगर यहाँ रुकते हैं डायरेक्ट आके तो 1500 रुपया है, उसी में जो है खाना पीना ऐड है। और हम लोग जो है अब जा रहे हैं, और देखिए यार नज़ारों का तो क्या कहना, क्यों गुरुदेव। तो ये देखिए उसके बाद ये नाभीडांग में है ना, नाभीडांग से ये रोड जो है पूरा लिपू लेक तक जाएगा। के दर्शन करने के बाद अभी हम काला पानी में दोस्तों, और पीछे बोर्ड देख रहे होंगे ना, ये काली माता का मंदिर है, 12,000 फुट की ऊंचाई पे लगभग, आप लोग देख रहे होंगे यार दोस्तों। और हम जो है काली नदी का उद्गम भी यहीं से है दोस्तों, इधर से अभी उद्गम स्थान और मंदिर के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। तो हम जा रहे हैं माँ काली के मंदिर पर, और काली नदी का उद्गम स्थल दोस्तों यहाँ से है, आज यहाँ भी पहुँच गया। गोरी नदी का इस उद्गम स्थल मिलन ग्लेशियर था, और काली नदी का उद्गम स्थल ये देखिए दोस्तों ये, और आप लोग देखिए ये मंदिर का नज़ारा, और ये नदी आ रही है। आप लोगों को दिखाता है ये काली नदी का उद्गम स्थल दोस्तों, ये देखिए यहीं से जो है ये काली नदी का पूरा ये, और मंदिर भी है माँ काली का मंदिर। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये पूरा क्षेत्र है ये उद्गम स्थल, यहीं से जो पूरा पॉइंट बना रखा है, पानी आ रहा है इसी से स्रोत, और ये काली नदी, ओम ओम काली नदी नमः। दोस्तों देखिए काली नदी को भी छू लिया है।
देखिए यार इतनी हाइट पे 12,000 मीटर ऊंचाई पे हमारे देश के जवान, यहाँ पे पूजा हवन चल रहा है। तो देखिए दोस्तों सुनो, तो देखिए दोस्तों हमारे देश के जवान इतने 12,000 मीटर ऊंचाई पे, लगभग 3,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पे यहाँ हवन यज्ञ ये चीज़ें हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है। आज शायद अष्टमी या नवमी का दिन है, तो आप लोग देख रहे हैं। काली माता के दर्शन कर लिए अंदर, और उद्गम स्थान भी दोस्तों वहीं अंदर से है, वहीं पे पूजा होती है। नदी का यार दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, अभी माँ काली का मंदिर है, यहीं से जो है काली नदी का उद्गम है काला पानी में हम लोग, और यहीं से ऊपर बता रहे कि ब्यास गुफा भी यही है, जो की महर्षि वेद व्यास जिन्होंने ना महाभारत लिखी थी उनके द्वारा वो ब्यास गुफा यही बताया गया सर के द्वारा। उद्गम स्थान पानी वहीं से आ रहे, जो काला पानी गुफा वाला वेद व्यास जी के द्वारा जो है जब रामायण की रचना कर रहे थे ना, भगवान गणेश जी लिख रहे थे और वेद व्यास जी मंत्रोच्चारण करते थे, तो लिखते जा रहे थे, तो वो यहीं पर रचना हुई, यह भी मान्यता है दोस्तों मैथोलॉजी के हिसाब से महाभारत में। तो यार यहाँ पर खूबसूरत यार बहुत दिव्यता, ओम पर्वत के दर्शन करने के मजे आ गए यार, यहाँ काली माता का मंदिर के दर्शन किए, उसी मंदिर से जो है काली नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, यहाँ पे काला पानी वाले जी का उद्गम क्षेत्र भी देख लिया, और यहीं पर काला पानी में ये यांगती और जो है काली नदी का जो संगम भी है, जो दूसरी नदी थी ना ऊपर जाते हम नाभी डैम की ओर, ये फिर काली नदी बन जाती है। हम जो है ओम पर्वत काला पानी से यहाँ आ चुके हैं अपने कैंप वाले एरिया में, आप लोग देख रहे होंगे ये चीज है। तो यार हम पहुंच चुके हैं गूंजी में दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा इस बारे में अवश्य अपने विचार व्यक्त करें कमेंट के माध्यम से। यार दोस्तों हमने जो है दिव्य दर्शन कर लिए, वेदर भी बहुत अच्छा रहा यार, बहुत अच्छा रहा यार, इसकी दिव्यता का क्या वर्णन करें आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और ये चीज़ें रहीं हमारे लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें रहीं यार, उधर पर बादल या ओम पर्वत के दर्शन हुए। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ये है गूंजी, कैसा लगा इस बारे में अवश्य अपने विचार व्यक्त करें कमेंट के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा आदि कैलाश के दर्शन।